सिंगरौली पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कंजर चोर गिरोह का खुलासा किया है। इस गैंग ने कई वारदातों को अंजाम दिया है। सिंगरौली के बैढ़न में न्यायालय के सामने से 24 सितंबर को एक अधिवक्ता की कार का शीशा तोड़कर 5 लाख रुपए चोरी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया था। कोतवाली पुलिस ने अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी थी। सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया तो पता चला इस वारदात को कंजर गिरोह ने अंजाम दिया है। पुलिस की अलग अलग 3 टीमों ने एक एक कर कंजरों को दबोचना शुरू किया। कंजर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 1.25 लाख रुपए बरामद हुए हैं। गिरोह का एक सदस्य फरार है। चोर गिरोह ने एक अन्य चोरी डीएबी रोड बैढ़न में भी करना स्वीकार किया है। इन चोरों से सोने चांदी के गहने भी बरामद हुए हैं। 24 सितंबर 2020 को एक चोरी की घटना न्यायालय परिसर के सामने से हुई थी। एडवोकेट रामकरण चर्मकार बैंक से 5 लाख रुपए लेकर अपने कार में रखकर वो न्यायालय परिसर के पास अपनी गाड़ी खड़ी करके क्लाइंट से मिलने अंदर चले गए। कुछ देर बाद जब वो वापस आए तो कांच जो पीछे के दरवाजे की कांच थी वो टूटा हुआ था और उनके अंदर जो कार में रखा 5 लाख रुपए कोई अज्ञात चोर चुरा लिया था। पूछताछ पर ब्रजेंद्र ने एक चोरी डीएवी स्कूल के पास स्वीकार किया। उससे भी उसके माल बरामद हुए हैं। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।